यमुनानगर के जगाधरी मटका चौक से गुप्ता मिल स्टोर पर आज सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने एक साथ तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इन तीनों दुकानों में तेल और रबड़ होने के कारण आग की लपटें ऊंची उठने लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दुकान के शटर बंद थे और ऊपर से आग की लपटें उड़ती दिखाई दे रही थी। काफी देर बीत जाने के बाद जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो बाद में क्रेन की मदद ली गई ताकि शटर और कुछ दीवारों को तोड़कर दुकान के अंदर पानी की बौछार की जाए। ये अचानक आग लगी और हम सबको जो है 8:30-9 बजे के लगभग पता चला। लगभग अभी तक 6 गाड़ियां आ चुकी हैं और 2 गाड़ियां और पीछे आ रही हैं, और जो नुकसान है वो तो वैसे किशोरी लाल जी को पता होगा, लेकिन बाजार के मुताबिक अंदाजा जो है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान होगा। बैरिंग का काम है वो तो जो भी है किशोरी लाल जी बता सकते हैं, वैसे इनका बैरिंग का प्रमुख काम है। अब बेल्टेज देखिए, जो मिल्स है, जो भी कारखाने में काम इस्तेमाल होता है वो सब है। अब वो जिनका नुकसान हुआ है वही सही ढंग से बता सकते हैं इसमें क्या क्या होगा। हमारे पास हमारी ERV डायलेक्ट 112 से सूचना आई थी कि भी छोटी लाइन के नज़दीक लगते गुप्ता ऑयल कंपनी है जी, इसमें ऊपर आग लग गई है जी। इनके पास ग्रीस वगैरह का सामान पड़ा है, चमड़े के बेल्टे वगैरह हैं, तेल वगैरह है, तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी जी। 3-3 गाड़ियां आई हुई आग बुझाने में लगे हुए हैं जी, काफ़ी समय हो गया लेकिन आग अभी काबू नहीं आई है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लें जी। कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। लगभग ये 2 घंटे हो चुके हैं, 8:30 बजे के करीब सूचना आई थी और 3 गाड़ियां लगी हुई हैं आग बुझाने के लिए, 2 बार तो पानी भर के भी ले आई हैं, लगे हुए हैं सर, जल्दी कोशिश कर लेंगे आग पर काबू पाने की। इसकी तरफ से जी हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ, जैसे भीड़ इकट्ठी है तो कोई ट्रैफिक में समस्या ना आए, कोई वैसे अनहोनी ना हो जाए आग की वजह से, किसी के ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए, हमारी टीम लगे हुए हैं जी सहायता में फायर ब्रिगेड के साथ।